नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र आदि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो है मंगल ग्रह का मीन राशि में प्रवेश करना। 4 अक्टूबर को वक्री होकर प्रवेश करेंगे। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ 21 सितंबर को, तो वो मेष में है, 4 अक्टूबर को मीन में आएंगे, 26 दिसंबर तक लगभग 3 माह के लगभग मीन राशि में वक्री मूवमेंट होते हुए भ्रमण करेंगे, परंतु 14 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, परंतु रहेंगे मीन में। विशेष बात क्या है? विशेष बात की अत्यधिक हिस्सों को शनि की दृष्टि के कारण, और जिस राशि में चल रहे हैं मीन राशि के स्वामी गुरु नीच चल रहे हैं, इसलिए अत्यधिक हिंसक ग्रह स्थिति हो सकती है। सब लग्नों के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ कुंभ लग्न के बारे में बात कर रहा हूँ। कुंभ लग्न के ऊपर इस मीन राशि के मंगल का क्या असर होगा? कुंभ लग्न आपका है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए आप क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड करते हैं। बीच ऊपर के खानों में बीच में यदि कुंभ छपा हुआ या एक्वेरियस या 11 नंबर आता है, समझिए आपके बारे में बात हो रही है। यदि आपको अपनी बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं है, नाम में से कोई एक अक्षर है, तो समझिए तो भी आपके बारे में बात हो रही है। क्या है ये नाम के अक्षर? गो गे गो सा सी सु से सो धा, ये नाम के अक्षर हैं। अब सबसे पहले ये मंगल जो है मीन राशि में भ्रमण करेंगे कुंभ लग्न के, शनि द्वादश भाव में दृष्टि दे रहेंगे उसके ऊपर, पारिवारिक अशांति, धन की अशांति, कर्म की अशांति, नौकरी व्यापार की अशांति, छोटे भाई बहनों से नेम फेम में अफेक्ट होना, सब कुछ चलता है। तो क्या होगा? सबसे पहले हम बात आ जाते हैं मानसिक और शारीरिक अशांति के ऊपर। 4 अक्टूबर से 27 नवंबर में तनाव से त्वचा पे, चेहरे की त्वचा पे थोड़ा डाइजेशन पे सर दर्द, न्यूरो और जो महिलाएं उनके लिए गायने अथवा प्रेगनेंसी से रिलेटेड बाधाएँ आ सकती हैं। विशेष रूप से 23 अक्टूबर से 10 दिसंबर में थोड़ा सा यूट्रस और यूरिन और डायबिटीज़, किडनी की, गुर्दे की, आइस की, हार्मोन की समस्या बनी रह सकती है। 11 नवंबर से 26 दिसंबर में पेट पर वजन का बढ़ना, मसल ढीले पड़ना, लैक्सिटी ऑफ मसल्स और डबल चिन आना, मसल्स लटकेंगे, डबल चिन आना, विटामिन बी और डी थोड़ा कम हो जाना, ये समस्याएँ हो सकती हैं। 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर में यूरिक एसिड बढ़ना, चेहरे पे पिंपल्स, पैरों कंधों में दर्द या मामूली चोट के योग बनते हैं। बात करते हैं नौकरी अथवा व्यापार की। व्यापार के तुलना में नौकरी उत्तम रहेगी यदि सरकारी हो, पीएससी हो, स्टेबल जॉब हो। व्यापार में खर्चे, लॉसेस, कर्जे कम होती, टर्नओवर लो डिमांड के योग है। परिवर्तन कोई भी करना आसान नहीं होगा, इसलिए बचना होगा। केवल विदेश में शिफ्ट करना आसान होगा यदि वहाँ पर आपको जॉब मिल रही हो तो, अन्यथा आप ना करें। अब अगला क्षेत्र आ जाता है कि 23 अक्टूबर से 10 दिसंबर में विदेश में नौकरी कर सकते हैं, व्यापार शिफ्ट करने के ग्रह योग बनेंगे, कोई भी काम परंतु व्यय या बिना इन्वेस्टमेंट के ही करें। यानी विदेश जाना हो, कोई भी काम करना हो, तो इन्वेस्टमेंट ना करें, बिना इन्वेस्टमेंट के करें, जॉब करें, कंसल्टेंसी कर लें, बिना इन्वेस्टमेंट का व्यापार करें। संपत्ति और भूमि या संपत्ति खरीदना सुलभ नहीं होगा, विशेषकर भूमि में हानि हो सकती है। 21 नवंबर से 21 दिसंबर में विशेष रूप से तनाव होगा। कारण धन की कमी या खुद को व्यय करने की कम हिम्मत होना, कम आय होना, सेविंग्स या उपलब्ध धन कम होने की वजह से ये सब संयोग बनते हैं। 4 अक्टूबर से 6 दिसंबर में जमीन से जुड़े आर्थिक और लीगल धोखे के योग, इसलिए लॉ का अधिक ध्यान रखें यदि भूमि की खरीद पर रोक करनी है, हानि संभव हो जाती है। अब बात करते हैं भाग्य, शिक्षा, धर्म। भाग्य की तुलना में कर्म ही ज़्यादा शुभ रहेगा। विदेश में शिक्षा हेतु भाग्य थोड़ा सा शुभ प्रभाव दे सकता है। विशेष 23 अक्टूबर से 16 नवंबर शुक्र, शनि, मंगल से जुड़े क्षेत्र, यानी मीडिया हुआ, फिल्म हुई, कोल्ड ड्रिंक्स हुई, खान पीन हुआ, ब्रांडेड वस्तु हुई, लोहा, सीमेंट, हार्डवेयर, कॉपर,
मेडिसिन से मंगल के केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, भूमि के जुड़े एग्रीकल्चर, इन क्षेत्रों में थोड़ा सा लाभ हो सकता है। केमिकल्स में, एग्रो में, मीडिया में, एडवर्टाइजिंग, आर्किटेक्चर, इन सब में थोड़ा सा, इन क्षेत्रों में थोड़ा सा लाभ हो सकता है, थोड़ा थोड़ा समय शुभ रहेगा। अब बात करते हैं इन क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए भी थोड़ा समय उत्तम रहेगा। ये जो क्षेत्र हैं मंगल शनि शुरू से जुड़े, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल, एरोनॉटिकल, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, आर्किटेक्चर, मेटलर्जी, इससे जुड़े क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए समय उत्तम रहेगा। योग, अध्यात्म, साधना तथा दूरदृष्टि विकसित करने हेतु मन रमेगा। योग अध्यात्म में दूरदृष्टि विकसित होने के लिए इंटरेस्ट आप लेंगे। नवंबर दिसंबर में पितृ आशीर्वाद से रुके काम बनेंगे। पूजा पाठ, धर्म कर्म कांड में मन कम लगेगा, परंतु आप जो है योगा इत्यादि अधिक कर पाएंगे। अब आप बात करते हैं प्रेम विवाह रिश्तों के लिए। आर्थिक और मानसिक और फिजिकल तथा आय अन्य कारणों से मन भोग विलास विवाह प्रेम संबंधों में उदासीन सा रहेगा। आर्थिक, मानसिक, फिजिकल यानी लो एनर्जी और आय कम होने से इस कारण मन भोग विलास में, प्रेम में, विवाह में, इन संबंधों में उदासीन रहेगा। 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर में हिंसक समय होगा मंगल शनि की दृष्टि में। अत्यधिक हिंसक विच्छेदजनक घटनाएं या इनका रूप धारण कर सकती हैं। नैतिक आचरण, खान पीन, भाषा व्यवहार, नौकरी में व्यवहार, लेन देन में व्यवहार, ये सारा जो समय थोड़ा सा बाधाएं रखने का होगा, सावधानी का होगा। बात करते हैं आर्थिक धन को लेकर। 4 अक्टूबर से 20 नवंबर में धन जो है वो बढ़ते हुए कर्जे और मिसमैनेजमेंट के बावजूद भी संपत्ति, किराए, जीवन साथी, भाई, पिता, कई स्रोतों से एग्रीकल्चर से आता रहेगा। दोबारा पढ़ देते हैं, 4 अक्टूबर से 20 नवंबर धन व्यय बढ़ रहा है, कर्जे आ रहे हैं, मिसमैनेजमेंट भी हो रहा है, सबके बावजूद भी संपत्ति, किराए से, जीवन साथी से, भाई, पिता और कई स्रोतों से धन फिर भी आता रहेगा, एग्रीकल्चर से धन आता रहेगा, ये अच्छी बात है। 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर में गलत पॉलिसीज, मिसमैनेजमेंट, अनैतिक आर्थिक आचरण से कम आय हो सकती है, इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान दें। लो टर्नओवर हुआ पैतृक और आर्थिक कारणों से तनाव हो सकता है, इसलिए अनुशासन और मैनेजमेंट पर ध्यान दें। उपाय क्या करें? गुरु शनि और मंगल के मंत्र ओम गुरु के ओम गुरांगरी विनोशा, गुरु नमा शनि के ओम प्राप्ति प्रोशन, शनि नमा मंगल के ओम मैंगी क्लीन चामुंडा विचे, अथवा ओम गुरांगरी विनोशा भोवाय नमा, पीला पुखराज, नीलम और मूंगा तीनों रत्न धारण करना। गुरु सरकारी नौकरी में बाधा है तो पीला पुखराज, नीलम और माणिक्य धारण करना, और यदि बीमारियाँ चल रही हैं, समस्याएँ, तो महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारोक बंधनार मृत्यु मुख्य मामृतात्, इस मंत्र का जाप करना। मंगल शनि गुरु के दान करना, काले उड़द, देसी घी, चने की दाल और गुड़, इनके दान करते रहना। हर मंगलवार या शनिवार को काली गाय, पक्षियों को भोजन देना। शमशान, मंदिर, अस्पताल में दान देना। रिश्वत ना लेना। गाली गलौज, खान पीन, शराब के ऊपर परहेज रखना। अब नवरात्र 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर में होंगे। नवरात्र में भक्ति दुर्गा के किसी भी मंत्र का या 10 महाविद्याओं में से किसी मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए जो मुख्य जो देवी हैं 10 महाविद्याओं में, जो कमला हैं, उनका आशीर्वाद इस लग्न को प्राप्त है। कब नवरात्र के किसी भी नवरात्र को भक्ति कमला के मंत्र का जाप करना लाभकारी रहेगा। क्या है? ओम श्री कमलाय नमः, ओम श्री कमलाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहे। 3 माला जाप रोज 26 दिसंबर तक करते रहे, पूर्ण लाभ मिलेगा। कुंभ लग्न के स्वामी शनि, इसलिए मछली इत्यादि, शराब इत्यादि, तंबाकू का भक्षण ना करें। धन्यवाद, नमस्कार।